नमस्कार, हमारे YouTube चैनल दुनियादारी एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के रोहतास जिले के अकोड़ी गुला प्रखंड के वरुणा पंचायत के बारे में। पहली बार वरुणा पंचायत को एक कर्मठ, निष्ठावान, मेहनतकश, ईमानदार, विनम्र और एक शिक्षित मुखिया मुन्ना पासवान के रूप में मिला है। वरुणा पंचायत के सभी लोग बेहद खुश हैं ऐसे मुखिया को पाकर। चंदा बिघा 2 के एक भव्य समारोह में मुखिया जी मुन्ना पासवान ने रिबन काटा और सभा को संबोधित करते हुए अपने वक्तव्य से सबका दिल जीत लिया। पंचायत में आवे और सेवा करने का इनका मौका मिले, ताकि आज प्रभु जी इन पर ध्यान दिए और मुन्ना बाबू ने आज इस पंचायत को जो संवारने का काम करेंगे लिए, इनके लिए मैं सरपंच मुखिया जी को हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ। तो अपना हम लोग सामाजिक विचार बनाए, किस गांव का फिर से उत्थान के रूप में काम होना चाहिए। मैं चंदा बिघा के सभी जनता को पहले प्रणाम करता हूँ। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि ऐसे ही गांव को सजा के रखे और यहाँ हमारे वरुणा पंचायत के मुखिया जी मुन्ना पासवान जी आए हुए हैं। क्योंकि मरने के बाद केवल सात हाथ ही मिलता है उसको, कपड़ा दूसरा कोई का जब जन्म लेता है माँ के कोख से बच्चा, तो कपड़ा दूसरा कोई का, अन्न दूसरा कोई का, शिक्षा दूसरा कोई का, व्यवहार दूसरा कोई का, राह पकड़ करके सिखलाने वाले दूसरा। लेकिन अहंकार किस बात का है इंसान को, घमंड छोड़ दीजिए। मर जाने के बाद केवल संस्कार उतर जाता है कि फलनवा क्या करके गया और क्या करके नहीं गया। क्योंकि एक ऐसा मजबूत हमारे पंचायत को गठित कीजिए कि मैं अकोही गोला पर फर्स्ट में नाम मेरा चले, कि वर्ण पंचायत का मुखिया जो कि अभी 11 पंचायत में नंबर 1 पर चल रहा है, और नंबर 1 पर चलाने के लिए आप लोग का देन है। आप लोग मेरा मालिक है, मैं सेवक हूँ, मैं सेवा करने के लिए दिन रात करता रहूंगा। हमारे बेटी का शादी है, हमारे कई बुद्ध बुजुर्ग का तबियत खराब हो जाए, स्वार्थ मुझे संपर्क कीजिए, फोन कीजिए, मैं नहीं पहुंचा तो सीधा ही मुझे जवाब दीजिए। मैं हर कर्म करने के लिए तैयार हूँ, मैं राह पे चल रहा हूँ, बस राह दिखाते रहिए आप लोग। क्योंकि हिस्सा के लिए, हकदारी के लिए हर कोई लड़का है। घर में अगर एक बीघा टुकड़ा हो जाए, अगर उसका 5 बेटा है, तो घर में लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो जाता है। लेकिन अपने अधिकार को लोग समझ नहीं पा रहा है कि अधिकार है कहाँ से। इंसानियत गुजरती है यहाँ से। अगर हर इंसान या अपना विचार बदल दे तो पूरा भविष्य उसका बदल जाएगा। क्योंकि इंसान का ब्लड वही है, चेहरा वही है, आवाज वही है, बदलता है केवल तो विचार। अगर विचार बदल गया तो पूरा भविष्य बदल गया। क्योंकि फूल तो रहिएगा, गुलाब के फूल तो रहिएगा तो गुलाब का सुगंध मिलता है। पंचायत में लड़का स्टूडेंट अगर किसी का भी दिक्कत हो, घर में गार्जियन अगर पढ़ने में दिक्कत तनाई कर रहा है, तो कृपया मेरे पास कॉल करने के लिए प्रयास करें, ताकि उस घर में जाकर के पूछे कि आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, कहे नहीं पढ़ रहा है, आपका दिक्कत क्या है। क्योंकि एक शिक्षा ही एक ऐसा रीति है कि भीख मांग के भी पढ़ा जाता है। जिस तरह मैंने पढ़ा, हमारे पापा एक झाम कुदारी चला करके पटना साइंस कॉलेज जाते हैं, वहां से पढ़ा करके हैदराबाद इंजीनियरिंग के, तब जाकर के आज मुझे हंसते खेलते मौका मिला एक मुखिया का चुनाव लड़ने का। और देखिए आप लोग का आशीर्वाद मिला तो मैं इस पद पर खड़ा हूँ। तो अपने बेटे को किस तरह बनाइए, खाने तो मत रहिए, खाने के लिए तो 10 रुपए दे दीजिए, 1 घंटा में खत्म हो जाएगा। 10 रुपए तो मारे हैं तो 5 रुपए अपने बच्चों को भविष्य में लगाइए, और 5 रुपया रखिए ताकि आगे मुसीबत में साथ दे। हटारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नशा बंद छोड़ दीजिए। हमारे माता लोग से
और हमारे गार्जियन से सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चों पर सबसे विशेष ध्यान दें। और गणेश जी, आप 3 महीना पर बच्चों को एक परीक्षा लीजिए और जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है मैं उसे देख लेने के लिए तैयार हूँ। 5 साल तक मैं जब तक रहूंगा आपके ट्यूशन से जो लड़का फर्स्ट आएगा 3 महीना में, तो मैं उस लड़का को नापा कपड़ा कॉपी किताब मैं जब तक रहा 5 साल तक 5 साल में दूंगा। चुनाव के पहले नेताओं को हाथ जोड़ते और पांव पड़ते देखा होगा, लेकिन मीना पासवान जी अपनी जीत के बाद भी बेहद विनम्र है। सच में इस बंदे में सच्ची भावना है लोगों के लिए कुछ करने की, क्योंकि मैं भी इस स्टेज पर बोलने लायक ऐसा ही गुरु से सीखा, जो कि अभी हमारे बरना पंचायत जो 12 हो गया है छोटा मोटा मिला करके, मैं अपने भविष्य में कर रहा हूँ, मैं अपने सोच के अंदर कर रहा हूँ कि कुछ दिन आने वाले समय में मेरा बोरना पूरे बोरना पंचायत में चांदा नंबर 2 नंबर 1 पर जाएगा। क्योंकि जिस गांव में हर होनहार बहुत से टीचर देखे हैं जो कि इतना क्वालिटी भरा हुआ हम टीचर नहीं देखे थे। डांस भी देखिए, इंग्लिश बोलने का स्पीच देखिए कितना ढंग का है, हिंदी बोलने का देखिए, हर गाना पे कमेंट देखिए। आप लोग केवल देखते थे लेकिन इसको समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे सर इस प्रोग्राम को कराने के मतलब क्या हुआ। धन है देवता जिस माँ के पेट से जन्म लिया उस माँ को बार बार प्रणाम। गांव में कोई आयोजन हो, समारोह हो, किसी की निधन हो जाए, मुखिया जी मुन्ना पासवान एक फोन करने से ही लोगों की सेवा में हाजिर हो जाते हैं और लोगों से गुफ्तगू करते हैं, मिलजुल कर बातें करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। तो हम सब का फर्ज बनता है कि ऐसे नेताओं को, ऐसे मुखिया जी को हम सब दिल से उनका साथ दें। निकलिए